के चंपारण के धरती पर आया हूँ। और यहाँ किस लिए आया हूँ? क्योंकि यहाँ नलजल अनुरक्षक मोतिहारी जिला के परहारपुर प्रखंड में एक बैठक रखे हैं, और वह बैठक किस लिए रखे हैं हम इन्हीं लोगों के जुबानी पहले आप लोगों को सुना रहे हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर इनका समस्या क्या है और ये क्यों यहाँ पे बैठक रखे हैं। तो हाँ, आप बताइए कि आपका क्या समस्या है, क्यों यहाँ बैठक रखे हैं? सर जी, हम लोग बैठक रखे हुए हैं इस वजह से कि तकरीबन 4.5 साल हो गया हम लोगों को पानी चलाते हुए। नल जल का सुचारू रूप से पानी हम आज तक हम लोग चलाते चले आए हैं। जब से हम लोगों का बहाली हुआ है, दीर्घकालीन अनुरक्षण रीति के तहत बहाली हुआ है। हम कहना ये चाहते हैं सर सरकार से, कि ये चंपारण की धरती है और हम अनुरक्षक यहाँ पर 4 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, और सरकार हम लोगों को नहीं मानदेय दे रही है। हम लोग जमीन भी दिए हैं सर, 80% ऐसे लोग हैं जो अपना भूमि दिया हुआ है, ये पदाधिकारी को लालच दिया कि आप लोग जमीन दीजिए, आप लोगों को नौकरी मिलेगा। हम लोग ऐसा किए, आप पानी चला रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। कितना दिन से पानी चला रहे हैं? 3 साल से चला रहे हैं सर, एक भी पैसा अभी तक नहीं कोई दिया है। पदाधिकारी क्या कहते हैं? पदाधिकारी लोग कहते हैं, BPR वाला कहते हैं, बोले चाबी दे दो। अरे मेरा पैसा दो, हम लोग मजदूरी किया है भाई, हम लोग को नौकरी। नीतीश कुमार जी, आपके शासन में क्या चल रहा है? यहाँ पे ये अनुरक्षक गण, ये तमाम अनुरक्षक 3-4 साल से आप ही के विभाग के आदेश पर इन लोगों का चयन हुआ है, और देखिए इनके साथ आपका पदाधिकारी क्या कर रहा है, किस तरह एक जानवर के तरह आपका पदाधिकारी इन अनुरक्षकों के साथ व्यवहार कर रहा है। और आप यह कहते नहीं सकते हैं कि मैं न्याय के साथ विकास करता हूँ, तो क्या यही आपका न्याय है? आगे आप और अनुरक्षकों के समस्या को सुनिए। हाँ भैया, आपका क्या समस्या? देखिए, हम लोग गरीब परिवार से हैं। पहले पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी जी बोले थे कि जो जमीन देगा, जमीन उस समय कोई नहीं देने के लिए तैयार था। वो प्रखंड विकास पदाधिकारी बोले कि जो जमीन देगा उसी को अनुरक्षक बनाया जाएगा। हम लोग ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में चयनित भी हो गए हम लोग, 4 साल से पानी भी चला रहे हैं और पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। वार्ड सदस्य के खाता में दिया जा रहा है, ग्राम सेवक पदाधिकारी सब मिलकर पैसा को बंदरबांट कर ले रहा है। हमारे अनुरक्षक भाई लोग निवारण में गया था, वहाँ से कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्या सरकार अगर आप लोग को अस्थाई नहीं करती है तो क्या आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? हम लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन पटना में करेंगे। हम लोग क्या आपका भी पैसा नहीं मिला है? हमारा आज तक नहीं पैसा नहीं मिला। कितना दिन से काम कर रहे हैं? 15 तारीख 6 महीना 2019 से। क्या आपका भी पैसा नहीं मिला? हमारा भी पैसा नहीं मिला। कितना दिन से काम कर रहे हैं? 2019 से काम कर रहे हैं। आपका भी पैसा नहीं मिला? सर, हमारा भी पैसा नहीं मिला है। कितना दिन से काम कर रहे हैं? 3.5 साल से। क्या आपके साथ क्या समस्या है? सर, नहीं पैसा नहीं मिला सर, हम लोग पोर्टल से नाम हटा दिया गया है। जैसे एकदम प्रकृति का विरुद्ध है, एक कानून के विरुद्ध है, बिना मजदूरी दिए दूसरे आदमी को बहाल कर लिया गया है। सरकार पता नहीं किस कानून और किस मतलब प्रकृति के विभाग के अनुसार चलती है, मजदूरी दिया नहीं और दूसरे आदमी को रख लिया, अब पोर्टल से भी नाम हटा दिया गया। 4 साल से पानी चला रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि पदाधिकारी FIR करने का भी धमकी दे रहे हैं। हम तो BDO साहब के पास गए थे, तो BDO साहब बोले कि हमसे उलझिए मत। हमने लोक शिकायत में भी आवेदन दिया, लेकिन वहाँ से हमको रिसीविंग नहीं मिला। हमने जिला में भी कंप्लेन किया है और हाई कोर्ट हम लोग जाने के तैयार है। तो देखिए नीतीश कुमार जी, आपका शासन व्यवस्था, आप जिस पदाधिकारी को यह पावर दिए हैं और जो जनता आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, जो जनता आपको सत्ता का सुख भोगवाया, उसी जनता को आपका पदाधिकारी किस तरह से कर रहे हैं, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को आप जिसका बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं, विदेश तक आपका नाम हुआ है, उस जल नल को संचालित करने वाले ये तमाम अनुरक्षक आज भूखमरी के कगार पर है, और आपका पदाधिकारी 4 साल से काम भी कराया और इन पर FIR करने का भी धमकी देता है। क्या यही न्याय के साथ विकास है? क्या यही न्याय के लिए जनता आपको वोट दिया है? और ये तमाम अनुरक्षक संकल्पित हो गए हैं कि सरकार हमें अधिकार नहीं देगी तो हम संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को लेंगे, और जब यह जनता
यह अनुरक्षक गण जब संवैधानिक रूप से ही अपना अधिकार लेने चले जाएंगे तो फिर आपका उपयोगिता क्या हुआ, आपके न्याय के साथ विकास का क्या हुआ। और यह चंपारण का धरती है, इसी धरती से महात्मा गांधी ने, इसी धरती को महात्मा गांधी ने अपना कर्म भूमि बनाया था और इसी धरती से ऐलान करके सूबे भारत के तमाम राज्यों को अंग्रेज से स्वतंत्र कराया था। तो कहीं ऐसा ना हो मुख्यमंत्री जी कि ये तमाम अनुरक्षक आपसे भी आजादी पाले और आप जो ये प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। इसी के साथ मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर मेरी बात आपके कानों में जा रही है, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो इन अनुरक्षकों को देखिए जो 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार नल जल का संचालन कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बाहर प्रदेश में काम कर रहे थे और अपने बाल बच्चे का परवरिश कर रहे थे। ये अगर बहुत मजबूत परिवार से होते तो ये नल जल अनुरक्षक का काम नहीं करते, ये एक गरीब मजदूर है और ये 4 साल 5 साल से लगातार आपके नल जल को संचालित किया है, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को संचालित किया है और आज परिस्थिति यह है कि भुखमरी के कगार पर है ये लोग और इन लोगों के बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है। इसलिए इस धरती से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन अनुरक्षकों पर ध्यान दीजिए और इनका पेमेंट करवा करके इनको अस्थाई करके और अपने व्यक्तित्व का पहचान दीजिए। इसी के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूँ।